रिश्तेदारी करने आए हैं कपड़े के लिए, मार्केट के लिए। आज चांद रात है, इसी के लिए टोपी वगैरह लच्छे सवाए सब लेने आए। यहाँ पे हमारे पास हर तरह का टोपी है, बरकाती है, उवैसी है, इंटरनेशिया का टोपी है, हर तरह का टोपी मिलेगा। ये देखिए बच्चों की कपड़े लेना है, सवैया है, और भी चीजें हैं जो बहुत सारी चीजें हैं जो जरूरत की है। ये लच्छा है, बनारस का है, पटना का है। यहाँ पे हम लोग खुद फ्लैग मार्च कर रहे हैं और हम लोग एक बार ज्वाइंट ब्रीफिंग के लिए गांधी मैदान में भी जो है वहाँ पे हम लोग असेंबल होंगे ताकि फोर्स को और ब्रीफ किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं विप्लव कुमार। आपको बता दूं कि ईद कल मनाई जाएगी, जिसको लेकर के सभी मुस्लिम समुदाय के लोग गया शहर के बारी रोड स्थित चौक चौराहे पर शॉपिंग कर रहे हैं। इस तरह से गया शहर में काफ़ी उमड़ी हुई है भीड़। और आपको बता दूं कि गया शहर में काफ़ी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन एक्टिव है, पूरी तरह से जिला प्रशासन ट्रैफिक पुलिस को यातायात सुचारू करने के लिए लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। और इसी बीच शांति व्यवस्था में ईद पर्व को संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी के नेतृत्व में गया समाहरणालय में शांति समिति की बैठक की गई थी और सभी अपील की गई थी आपसी भाईचारे के रूप में ईद पर्व मनाएं। इसी तरह से गया के ऐतिहासिक गांधी मैदान में भी ईद के मौके पर नवाजादा की जाएगी। और आपको बता दें कि गया शहर में काफ़ी युवक युवतियाँ महिलाएँ ईद पर्व को लेकर शॉपिंग करने के लिए निकले हैं, जो कि खास तौर से बात कर ली जाए तो टोपी की डिमांड है और लच्छा है, जो गया के अलावे कलकत्ता और बनारस का लच्छा का काफ़ी डिमांड है, जो मार्केट में काफ़ी प्रचलने से लोग इसे खरीद रहे हैं। और वहीं बात की जाए तो कुछ महिलाओं या फिर लोग बताए कि आज चांद का दीदार होना है और चांद रात है और हम लोग रमज़ान में 30 दिन रोज़ा रखते हैं और अल्लाह से इबादत करते हैं, तब जाके हम लोग ईद का पर्व कल मनाएंगे। यदि आज अगर चांद का दीदार हो जाएगा तो कल हम लोग ईद पर्व मनाएंगे और आपसी भाईचारे से संदेश देते हैं, लोगों के एक दूसरे को गले मिलते हैं और ईद पर्व की बधाई देते हैं। शॉपिंग करने आए हैं, बच्चे की खरीदारी करने आए हैं कपड़े के लिए, मार्केट के लिए। आज चांद रात है, इसी के लिए टोपी वगैरह लच्छे सवाए सब लेने आए हैं। ईद में सवाए रहते हैं और ये क्या कहते हैं लच्छे रहते हैं, सिरमाल रहते हैं, मिठाई ये रहती है मीठा पर। अभी हम बच्चे की टोपी लेने आए हैं नमाज के लिए। ईद की शॉपिंग करने आए हैं, खरीदारी करने आए हैं। बहुत महंगाई है पर ज़रूरत भी है इंसान को करना, इम्पोर्टेंट भी है, ज़रूरत भी है करना शॉपिंग। बच्चों की कपड़े लेना है, सवैया है, और भी चीज़ें हैं जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़रूरत की है। यहाँ पे हमारे पास हर तरह का टोपी है, बरकाती है, उवैसी है, इंटरनेशिया का टोपी है, हर तरह का टोपी मिलेगा। ये देखिए ऐसा में भी है, भाल में भी है। हाँ, अभी इंटरनेशिया का टोपी का डिमांड हो रहा है, बरकाती टोपी बिक रहा है, उवैसी भी। खासियत है मॉडलाइज होते रहता है, हर साल साल चेंज होते रहता है, चेंजिंग होता है, तो मॉडलाइज के हिसाब से अभी सबसे ज़्यादा ये सब टोपी देखिए चल रहा है। यहाँ पे यही सब बिक रहा है, जितना भी है जैसा पहने हुए ऐसा बिक रहा है। प्राइस इसमें कम से कम है 120 रुपये का है, 150 बताते हैं हम लोग, 120 रुपया, 100 रुपया, हाँ 100 रुपया तक देते हैं स्टार्टिंग। हम आम टोपी हम लोग के पास 20 रुपये तक के है, पल्ले का टोपी है जो यहीं बनता है, लंबी वाली जो शादी उदी में चलती है वो यहीं बनता है, उसका दाम 15 से 20 रुपया है। ये लच्छा है, बनारस का है, पटना का है और कलकत्ता का। सबसे ज़्यादा अभी बनारसी। बनारस में एक इमाम करके बनता है, थोड़ा हल्का रहता है वो। क्या प्राइस में दे रहे हैं? 160। मेरे वरायटी 4 किस्म का है। क्या प्राइस है? प्राइस है 160 है, 140 है, 120 है, लास्ट है। सबसे ज़्यादा डिमांड बनारस की हो रही है? सबसे ज़्यादा डिमांड बनारस की है। कैसा रहा बाजार इस बार? इस बार उतना खास नहीं रहा। वजह ये है कि गर्मी का भी होता है, गर्मी ऐसा है कि पब्लिक निकल नहीं रहा, और गांव देहात में भी लच्छा बिक रहा हर जगह। इसी चीज़ को दिखाने के लिए कि पुलिस प्रशासन काफ़ी मुस्तैद है और पर्याप्त संख्या में फोर्स हमारे पास उपलब्ध है, ताकि जो ये त्यौहार है ये पीसफुली और बहुत बढ़िया से अच्छा व्यवस्था हम लोग दे पाएँ नागरिकों को। इसीलिए हम लोग फ्लैग मार्च कर रहे हैं, जहाँ भी कोई समस्या है लोगों को तो आके, हम लोग रोड पे घूम रहे हैं तो आके हमें बताएं और उनकी समस्याओं का उसी समय समाधान किया जाएगा। ये जो हमारे शहर के 5 थाने हैं और सारे अनुमंडल में निकाला जा रहा है एक ही साथ,
चाहे वो शेरघाटी हो, चाहे वो आपके टिकारी हो, हर जगह लगा निकाला जा रहा है। शहर में ये विष्णुपद एरिया, रामपुर का जगह पे, कोतवाली के जो मार्केट्स हैं और सिविल लाइन से संपूर्ण जगह पे हम लोग खुद, और विष्णुपद यहाँ पे हम लोग खुद फ्लैग मार्च कर रहे हैं। और हम लोग एक बार ज्वाइंट ब्रीफिंग के लिए गांधी मैदान में भी जो है वहाँ पे हम लोग असेंबल होंगे ताकि फोर्स को और ब्रीफ किया जाए। इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहें, आप देखते रहें एक न्यूज़ 24। विप्लव कुमार, एक न्यूज़ 24, गया।